अमीर मंदिरों में एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। आज हम जाने इससे जुड़ी 10 रोचक बातें। वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में आप हमारी सहायता करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। हमारे देश में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग की मुसीबतों और चिंताओं से मानव जाति को बचाने के लिए यह अवतार लिया था, जिसका एक कारण यह भी है कि मंदिर कलयुग प्रत्यक्ष देवम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने आते हैं। त्योहारों पर यह संख्या लगभग 5 लाख तक पहुँच जाती है। यही कारण है कि यह दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला तीर्थ स्थल बन जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करता है, उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं। तो आइए देवदर्शन के इस वीडियो में इससे जुड़ी रहस्य को जानते हैं। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। भगवान की प्रतिमा से पसीने की बूंदें आती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली है। ये बाल कभी भी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है। इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक किसी को नहीं पता है कि दीपक कब जलाया गया था, लेकिन यह माना जाता है कि यह 1000 साल से जल रहा है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है, लेकिन इस कपूर का भगवान बालाजी की प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाने के बाद भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। किसी अन्य धातु की तुलना में वेंकटेश्वर की मूर्ति अधिक मजबूत है। ग्रीन कैम्फर, जिसे सबसे मजबूत सामग्री के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन गर्भगृह के बाहर आने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां से मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि आते हैं। इस गांव में गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। मैं हूं आपका दोस्त। अधिक जानकारी हेतु इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।